हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आपके लिए इसी टॉपिक के सब टॉपिक जिसका नाम है समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में संबंध एवं अंतर लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र विषय के बारे में तो आप इंग्लिश में जानते ही हो कि इसको क्या कहा जाता है। मानव शास्त्र को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। तो मानव शास्त्र विषय है वो समाजशास्त्र विषय का ही एक शाखा है। सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। संबंधों की इसी घनिष्ठता के कारण इनमें कोई स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं है। इवांस प्रिचार्ड समाजशास्त्र की मान्यता है कि सामाजिक मानव शास्त्र को समाजशास्त्रीय अध्ययनों की एक शाखा माना जा सकता है। वह शाखा जो प्रमुखता अपने को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती है। जब लोग समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो साधारणतः उनके मस्तिष्क में सभ्य समाजों की विशिष्ट समस्याओं के अध्ययन होते हैं। कौन से समाजों की? सभ्य समाजों के। किसिंग ने लिखा है कि सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच निकट संबंध है, दोनों प्रबल रूप से समूह व्यवहार के वैज्ञानिक सामान्यकरणों से जुड़े हुए हैं। यानी कि दोनों ही समूह के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि समाजशास्त्र वर्तमान समाज का अध्ययन करता है जबकि मानवशास्त्र प्राचीन या पुराने समाजों का अध्ययन करता है। क्रोबर ने लिखा है कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंधों के आधार पर इन्हें जुड़वा बहिन मान सकते हैं। होबल के अनुसार विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र एक ही है, समान है। मानवशास्त्र के तीन भाग कौन कौन से? भौतिक मानवशास्त्र, प्रागैतिहासिक मानवशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र में से समाजशास्त्र जो है ना वो सामाजिक मानवशास्त्र के अत्यंत निकट है। क्या समझे आप? मानवशास्त्र के तीन भाग हैं, उनमें से जो तीसरा भाग है ना सामाजिक मानवशास्त्र, उसके समान या उसके निकट है समाजशास्त्र। यानी कि इन दोनों में काफ़ी निकट का संबंध देखने को मिलता है। दोनों ही विज्ञानों के द्वारा समाजों का अध्ययन किया जाता है, परंतु इतना अवश्य है कि सामाजिक मानवशास्त्र के द्वारा विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है जबकि समाजशास्त्र के द्वारा आधुनिक जटिल समाजों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में समाजों का उनकी संपूर्णता में अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्री जो होते हैं वो आदिम लोगों की अर्थव्यवस्था का, उनके परिवार और नातेदारी संगठनों का, उनकी प्रौद्योगिकी तथा कलाओं का सामाजिक व्यवस्था के भागों के रूप में अध्ययन करता है। दूसरी ओर समाजशास्त्री जो होते हैं वो अलग अलग समस्याओं का, जैसे विवाह विच्छेद, वैश्यवृत्ति, अपराध, श्रमिक असंतोष आदि का अध्ययन करता है। तो दोनों में फर्क यह है कि ये अलग अलग समस्याओं को करते हैं और मानवशास्त्री संपूर्णता के रूप में करते हैं। सामाजिक मानवशास्त्री सरल और छोटे आदिम समाजों का अध्ययन कर समाजशास्त्री को आधुनिक जटिल सभ्य समाजों को समझने में सहायता पहुंचाते हैं। किलुखोन विद्वान के अनुसार मानवशास्त्र व्यक्ति के सामने ऐसा दर्पण प्रस्तुत करता है जिसमें वह अपने को अपनी असंख्य विविधता में देख सकते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि मानवशास्त्री समाजशास्त्री को मानव की प्रकृति को अधिक अच्छी तरह से समझने में सहयोग करता है। मानवशास्त्री समाजशास्त्री की मदद करता है किसमें? मानव की प्रकृति को बेहतर तरीके से समझने में। समाजशास्त्री आधुनिक जटिल समाजों में विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन कर मानव शास्त्री के लिए अनेक
उपकल्पनाएं प्रस्तुत करता है। उपकल्पनाओं को इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोथेसिस। विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानव समाजों के संबंध में सैद्धांतिक ज्ञान का एक सामान्य पुंज है। सैद्धांतिक ज्ञान के इस पुंज का आदिम सामाजिक जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। समाजशास्त्र के सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग आदिम सामाजिक जीवन को अधिक अच्छे तरीके से समझने में किया जाता है। इमाइल दुर्खिम ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययनों के द्वारा सामाजिक घटनाओं की तह, या उसको कहते हैं जड़, में पाए जाने वाले सामाजिक कारण को ढूंढ निकाला। इन्होंने विविध घटनाओं का कारण किसको माना? स्वयं समाज को माना। अनेक अंग्रेज मानव शास्त्रियों ने दुर्खिम की समाजशास्त्रीय उपकल्पनाओं का प्रयोग किसमें किया? मानव शास्त्रीय अध्ययनों में किया था या किया है। संस्कृति के विज्ञान के रूप में मानव शास्त्र समाजशास्त्र के काफ़ी नज़दीक है। किसी भी समाज के संबंध में वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए उस समाज की संस्कृति को समझना बेहद जरूरी है, और इसके लिए समाजशास्त्र को मानवशास्त्र से सहायता लेनी होगी। इसके साथ ही मानवशास्त्र को संस्कृति की उत्पत्ति और विकास को जानने के लिए समाजशास्त्र द्वारा अध्ययन की जाने वाली सामाजिक अंतःक्रियाओं एवं सामाजिक संबंधों की व्यवस्था से रूबरू होना पड़ेगा, यानी वो तभी उनको समझ पाएंगे। संस्कृति के विकास में योगदान देने वाले कारकों की जानकारी समाजशास्त्री करता है, ये काम उसका नहीं है मानवशास्त्र का। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है और इन अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही किसी समाज की संस्कृति की उत्पत्ति और विकास होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि दोनों विज्ञान एक दूसरे पर काफ़ी निर्भर है। टी.बी. बोटामोर ने भारत के संदर्भ में समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करते हुए बताया है कि भारतीय समाज न तो आदिम समाजों के समान पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है और न ही औद्योगिक समाजों के समान पूर्णतः विकसित है। ऐसे समाजों में जिनका कि भारत एक ज्वलंत उदाहरण है, समाजशास्त्र व मानवशास्त्र के मध्य अधिक अंतर कोई अर्थ नहीं रखता। भारत में समाजशास्त्रीय अन्वेषण, चाहे वे जाति व्यवस्था से संबंधित हो, ग्रामीण समुदाय से संबंधित हो, अथवा औद्योगिकरण की विधि तथा उसके प्रभाव आदि से संबंधित हो, ये सभी समाजशास्त्रीय मानवशास्त्रीय द्वारा किए जाते हैं तथा किए जाने चाहिए भी। इस प्रकार टी.बी. बोटामोर ने इन दोनों विषयों के बीच किसी प्रकार के विभाजन को अनावश्यक माना है। ये हुआ समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में संबंध। अब आइए इन दोनों में अंतर देखते हैं। पहला अंतर है, इनमें विषय क्षेत्र की दृष्टि से अंतर पाया जाता है। मानवशास्त्र प्रमुखतः आदिम समाजों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र सभ्य समाजों का अध्ययन करता है। दूसरा अंतर है पद्धति संबंधी अंतर। मानवशास्त्र में मुख्यतः कौन सी पद्धति काम में ली जाती है? सहभागी अवलोकन पद्धति।
मानव शास्त्री को जिस आदिम समुदाय का अध्ययन करना होता है वह उसमें जाकर बस जाता है, साल दो साल उसी समुदाय में रहता है और प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा उस समुदाय के लोगों का गहन अध्ययन करता है। जैसे जनजातियों का अध्ययन जो अंडमान निकोबार में रहती है, इस तरह के समाजों का अध्ययन कौन सा विज्ञान करता है? मानव शास्त्र करता है। दूसरी ओर समाज शास्त्री को निर्दर्शन की समस्या का सामना करना पड़ता है, उसे अनुसूची या प्रश्नावली, साक्षात्कार आदि बनाकर सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती है और साथ ही प्रलेखों एवं सांख्यिकीय पद्धति का सहारा भी लेना पड़ता है। तीसरा अंतर है समाजशास्त्र का एक और सामाजिक दर्शन के साथ तो दूसरी ओर नियोजन के साथ घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। इवांस प्रिचार्ड महोदय ने लिखा है कि समाजशास्त्र केवल इस बात का पता लगाने की कोशिश ही नहीं करता कि संस्थाएं कैसे कार्य करती है, बल्कि यह भी बतलाता है कि उन्हें कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे परिवर्तन होना चाहिए। जबकि मानव शास्त्र अपने को इस प्रकार के विचारों से पूरी तरह दूर रखता है, वो क्या होना चाहिए के बारे में नहीं, जो चल रहा है केवल उसका अध्ययन करता है मानव शास्त्र। अगला अंतर है इन दोनों विज्ञानों में मानव शास्त्र समाजों का उनके संपूर्ण रूप में या समग्रता में अध्ययन करता है। इन दोनों विज्ञानों में से जो मानव शास्त्र है ना, वो समाजों का उनके संपूर्ण रूप में या यूँ कह लो समग्रता में अध्ययन करता है और उनसे संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है, हर पहलू पे जानकारी प्राप्त करता है वो। और समाजशास्त्र ज़्यादातर क्या करता है, किसी समाज के भागों का अध्ययन करता है, संपूर्ण समाज या नहीं उसके भागों का, और सामान्यतः किसी संस्था विशेष या किसी प्रक्रिया आदि में रुचि लेता है। एक और आखिरी अंतर है मानव शास्त्री अधिकतर छोटे आत्मनिर्भर समूह या समुदाय का अध्ययन करता है, यानी कि कैसे छोटे भी हो और आत्मनिर्भर हो, जबकि समाजशास्त्री बड़े समूह या समुदाय और अव्यक्तिक संगठनों तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। धन्यवाद बच्चों।